फांसी में कल दशहरा उत्सव के दौरान फांसी की ऑटो मार्केट के अंदर रावण के पुतले को किसी ने गिरा दिया था, जिसके बाद उस रावण के पुतले में आग भी लगाने की कोशिश की गई थी। आग को तुरंत की बुझा दिया गया। इस मामले में एक धड़े ने मांग की है कि जितने भी आरोपी इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी की जाए, जिसको लेकर खासी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आज विश्व हिंदू परिषद का एक धड़ा फांसी की एसपी नीतिका गहलोत के कार्यालय में उनसे मिलने के लिए पहुंचा, जहां पे एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो पूरी निष्पक्षता के साथ इस मामले में जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, अन्य जो भी आरोपी इसमें शामिल है उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जी किशन जी, किस तरह से आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठा होके आए हैं? आपने देखा था कल ऑटो मार्केट में रावण दहन का कार्यक्रम से पूर्व भी कुछ शरारती लोगों ने वहां पर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था जिससे पूरी हांसी नहीं पूरी हरियाणा भड़क सकता था, और उन्होंने वहां पे रावण का पुतले है उसको गिरा दिया और हमारा जो त्योहार था उसको खराब करने की कोशिश करी गई और हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई। हांसी का जो माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल है, उसको खराब करने के लिए, केवल खुद की प्रसिद्धि पाने के लिए या किसी राजनीतिक विरोध के कारण उन्होंने ऐसा किया था, तो उसके विरुद्ध आज हम यहाँ पे एसपी मैडम से मिले हैं। इन्होंने बताया है दो लोगों को अरेस्ट कर लिया है, काफी अच्छा पुलिस प्रशासन ने काम किया है, हम इनको साधुवाद करते हैं। और जिन लोगों की ऐसी मंशा है कि जो हंसी का माहौल खराब करना चाहते हैं उनको हम चेता देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि पूरा हिंदू समाज इस चीज को देख रहा है और वो सहन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू जी। गुलशन बागोरिया एडवोकेट जी, क्या कहेंगे, मतलब आज जो मिलने के लिए एसपी साहब से आए हैं, क्या आश्वासन उन्होंने दिया आपको? ये आपको भी और पूरे हांसी प्रांत को पता है, देखा भी है कि किस तरह से हमारे इधर अपने ऑटो मार्केट के अंदर जो हमारे रावण दहन का जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसका पुतला समय से पहले गिरा दिया गया। आदर्श रामायण मंच उसके ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने कितना पैसा लगाया था उसके अंदर और कितनी अच्छी तैयारी करी थी। ये सबसे बड़ी तो बात यही है कि वो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए और सब के लिए। इस तरह से जिसने भी जो भी किया है वो बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ हम प्रशासन से भी मिल के आए हैं। एसपी साहिबा ने भी हमें आश्वासन दिया है कि इसके अंदर जो भी संलिप्त है उनको ज्यादा उचित से उचित कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी और हमारा पूरा सहयोग प्रशासन के साथ है। और इस तरह का जिसने भी जो किया है उसको देखो कानून अपने हिसाब से सजा देगा। थैंक यू।